तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के अंदर 75,000 रुपये के रेट से प्लॉट मिल रहे हैं, तो क्या आप उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट डालेंगे या आप वहां पे अपने सपनों का जो आशियाना है वहां पे बसाएंगे? तो दोस्तों, ये सपना है, ये आपका जल्द ही पूरा हो सकता है आने वाली 24 से 25 दिसंबर को। ये जानते हैं आज के इस वीडियो में, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आपको 75,000 रुपये गज के रेट से सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली जैसी टाउनशिप कैसे मिल सकती। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के अंदर इतने ज़्यादा रेट क्यों हुए, बाकी टाउनशिपों के अंदर इतने ज़्यादा रेट क्यों नहीं हुए। सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली जैसे ही लॉन्च हुआ था, बिल्डर ने एक विजन बनाया कि सोना के अंदर पहली ऐसी टाउनशिप लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या इसके को एप्रिसिएशन मिलेगा, कितना एप्रिसिएशन मिलेगा। तो उसी विजन के साथ इन्होंने इस टाउनशिप को लॉन्च किया। सबसे पहले इन्होंने एक कंसेप्ट बनाया, एक विजन बनाया कि कैसे कैसे इन्वेस्टरों को बेनिफिट देना है, कैसे यहाँ पे लोग सेल्फ यूज के लिए अपने मकान बनाएंगे और कैसे यहाँ पे वो आसानी से रह सकते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के जो रेट है वो ग्रो करेंगे। अगर आज के टाइम आप रियल स्टेट के मार्केट के अंदर अगर सोना के सबसे हाई और वैल्यूएबल टाउनशिप को सर्च करेंगे, तो वो सबसे पहले आएगी सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, उसके बाद बाकी सारे प्रोजेक्ट आते हैं। तो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में सबसे पहले जब प्लॉट लॉन्च हुए थे 2016 एंड के अंदर, तो उस टाइम जो रेट लॉन्च हुआ था लमसम 36,500 से 37,000 रुपये पर गज के रेट से वहाँ पे लॉन्च हुआ था। उस टाइम तो सोना रोड एलिवेटेड रोड पे इतना जाम लगता था, टूटा फूटा रोड था, इतनी कोई मेजर कनेक्टिविटी सोना के अंदर नहीं थे। लेकिन उस टाइम समझदार लोगों ने अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आज उनके पैसे कई गुना हो गए हैं। अगर आज के टाइम में रीसेल की वैल्यू की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 1.50 से लेके 1.70 तक के रेट आपको मिलेंगे। डिपेंड करता है कि प्लॉट किस टाइप से आप वहाँ पे परचेज कर रहे हैं। तो इनका ये विजन था कि सबसे पहले प्लॉट को लॉन्च किया जाए, उसके बाद इन्होंने कंसेप्ट बनाया कि अब हम फ्लोर को लॉन्च करते हैं, यहाँ पे लोगों को बसाना शुरू करेंगे। जैसे लोग यहाँ पे बसना शुरू होंगे, जो कनेक्टिविटी है आपके, जो एक्टिविटीज बच्चों की है, ओल्ड की है या यंग्स की है, या स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज है उनको इन्होंने डेवलपमेंट किया, गार्डन को प्रॉपर डेवलपमेंट करना शुरू किया, एक्टिविटीज यूज होते हुए लोगों को दिखी। जैसे ही कोई नया बायर यहाँ पे आता था तो वो ऐसा फील होता था भाई बहुत ही अच्छी टाउनशिप है, तो उसका मन करता था इस चीज़ को लेने के लिए। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि डिमांड को बढ़ाना शुरू किया, कि जैसे ही लोग किसी टाउनशिप के अंदर रहना शुरू करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की जो डिमांड है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर ये स्पेशल ही प्लॉट का कंसेप्ट के ऊपर रहते तो शायद आज फ्लावर वैली के अंदर आपको इतना रेट नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्लॉट तो बना दिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे प्लॉट हैं जिनके ऊपर अभी भी वो प्लॉट खाली है, कोई चिदाई होगा, दो चार होंगे जो वहाँ पे अपने प्लॉट के ऊपर फ्लोर बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि प्लॉट लॉन्च किए, प्लॉट बेचे, प्लॉट के बाद इन्होंने फ्लोर लॉन्च किए, फिर विला लॉन्च किए और फिर फ्लैट लॉन्च किए। तो हर सेगमेंट के अंदर इन्होंने प्रॉपर्टी को वहाँ पे लॉन्च किया और बना के भी दिया, ताकि लोग यहाँ पे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्री यहाँ पे बढ़े, उसकी वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी और फिर जो सप्लाई है वो कम होगी और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, रेट ऑटोमेटिक हाई होंगे। तो इसी टाइप की जो टाउनशिप की जो मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है सेक्टर 4 के अंदर। सेम विजन के साथ ये टाउनशिप लॉन्च हो रही है, सेम कंसेप्ट के अंदर ये टाउनशिप बन रही है। जिसने सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली को इतना खूबसूरत बनाया है कि जाते ही एक ऐसा फील आता है कि आप सोना के अंदर नहीं हो, वैसे ही फील इस टाउनशिप के अंदर आता है, क्योंकि मैंने पर्सनली इस टाउनशिप की विजिट की भी है और इस टाउनशिप का जो विजन है, इनकी टीम से मैं मिला, इनकी टीम ने प्रॉपर इस विजन के बारे में भी प्रॉपर डिस्कस किया। सेम कंसेप्ट के ऊपर कोई चीज ही चेंज नहीं है। वो किस तरीके से मैं बताता हूँ, इस टाउनशिप के अंदर पूरे के पूरे प्लॉट हैं, कुछ प्लॉटों के ऊपर बिल्ड फ्लोर आएंगे, वो बाद में आएंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं कि इनके जो 90% के जो प्लॉट थे वो मोस्टली सोल्ड आउट हो गई। अब ये 10% की इन्वेंट्री ओपन करने जा रहे हैं अभी 24 और 25 दिसंबर को। प्राइस की बात करो तो वहाँ 75,000 प्लस एक्स्ट्रा चार्जेज हैं और वहाँ पे इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है आज के टाइम। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मे फेयर इंफ्रा बिल्डर का नाम है और गोल्डन पार्क प्रोजेक्ट का नाम है, रेरा अप्रूव्ड है, लाइसेंस आ चुका है, 18 एकड़ की टाउनशिप है। इसके अंदर 125 गज से लेके 175 गज तक के प्लॉट आते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी शुरू होती है 98 लाख से। अब इसका और मैं सेंट्रल पार्क का कैसे कंपेरिजन करूँ,
ये मात्र एक ऐसी टाउनशिप है जो सिर्फ सेंट्रल पार्क को टक्कर दे सकती है। बाकी सोना के अंदर कोई भी ऐसी दीनदयाल की टाउनशिप नहीं है जो सेंट्रल पार्क को टक्कर दे दे, क्योंकि इनका जो विजन है वो बहुत मजबूत विजन है। मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको इन्वाइट कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इस टाउनशिप के ऊपर आओ। मैं आपको कैब फैसिलिटीज फ्री दे रहा हूँ। गुरुग्राम के अंदर अगर आप रहते हैं तो गुरुग्राम के अंदर आप 22 तारीख से पहले मुझे अपने टाइमिंग और डेट, आप 24 को आ रहे हैं या 25 को आ रहे हैं, मुझे SMS करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, तो मैं आपका स्लॉट बुक कर सकता हूं। आपके लिए कैब का टाइम है वो ऑलरेडी बुक रहेगा 24 और 25 तारीख को। ड्रॉप और पिकअप दोनों रहेंगे, आपको घर से पिक किया जाएगा, साइट पे दिखा के आपको घर पे ही ड्रॉप किया जाएगा। साइट के ऊपर प्रॉपर स्नैक्स और फूड्स का प्रोग्राम मिलेगा, बच्चों के लिए झूले वगैरह का पूरा इंतजाम है क्योंकि वहाँ पहले से ही डेवलपमेंट है। गार्डन है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से रेडी कर दिए गए हैं, और जो टाउनशिप के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को वो चीज़ें नहीं बता सकता जो मैं साइट पे, इन दो दिनों के अंदर मैं साइट के ऊपर अवेलेबल रहूँगा। आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, आपकी सेल्फ यूज है तो सेल्फ यूज के रिगार्डिंग में बात करेंगे, इस टाउनशिप के अंदर जाना क्यों बेटर रहता। काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने सेंट्रल पार्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वो मिस कर गए, क्योंकि उस टाइम कनेक्टिविटी नहीं थी, लोगों को नहीं पता था कि इतना रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक विजन अलग था। क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें बेची थी सेंट्रल पार्क के अंदर और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हुआ। ये मौका आपके लिए बिल्कुल लास्ट है सोना के अंदर, ऐसी चीज़ ऐसा प्राइज आपको दोबारा नहीं मिलेगा सोना के अंदर, क्योंकि सोना की बदलती हुई डेवलपमेंट हमेशा ही अप्रिशिएट करेगी। क्योंकि अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत सारी डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि जो सेक्टर 4 और सेक्टर 3 है ये प्रॉपर पब्लिक सेक्टर में आएगा। सेक्टर 3 जिसके अंदर अभी मेदांता ने भी कुछ लैंड ले लिया है हॉस्पिटल की, और RTMS के भी कुछ लैंड वहाँ पर आ चुकी है। तो इस सेक्टर 3 के साथ लगता हुआ सेक्टर 4 है, और सेक्टर 4 के साथ में लगता हुआ सेक्टर 28 है जिसमें सेंट्रल पार्क की भी कुछ लैंड अभी वहाँ पे बाकी है, और सेंट्रल पार्क वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन डेवलपमेंट करने वाला है सेक्टर 28 के अंदर। और गवर्नमेंट भी सेक्टर 4 और 28 के साथ लगता हुआ DMIC उसके साथ में काफ़ी एकड़ की लैंड है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा गार्डन वहाँ पर डेवलपमेंट करेगी गवर्नमेंट। आप सेक्टर 4 के अंदर ऐसी लोकेशन है जहाँ पर रहने का भी फील आता है, और आप गुड़गांव सोना एक्सप्रेसवे और DMIC इन दोनों के बीच में होते हो मिडल से, और एक जो रोड है जो आपका गुड़गांव से जो एक्सटेंशन रोड है डायरेक्ट इस टाउनशिप के ऊपर आके हिट करता है। इस टाउनशिप के अंदर 20 KV पावर बैकअप है एवरी प्लॉट। अगर आपको रिक्वायरमेंट है 20 KV की तो आपको 20 KV का पावर बैकअप मिलेगा। क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, 50+ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ अवेलेबल है। खुद की इनकी नर्सरी है सोसाइटी के अंदर ही। लमसम आपको कई वैरायटी के यहाँ पे फूल पौधे, और इस टाउनशिप के बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी है। इसी टाउनशिप के अंदर आपको बच्चों के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिलेंगे। इसी टाउनशिप के आपको अंदर आपको एक बहुत बड़ा कमर्शियल की कुछ शॉप है वो भी लॉन्च करेंगे आने वाले 2 महीने के अंदर। ये बिल्ड फ्लोर लॉन्च कर देंगे और 6 महीने के अंदर ये अपने फ्लोरों को मार्केट के अंदर ओपन कर देंगे सेल के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, साथ के प्लॉट को भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और साथ के साथ ये क्या करें कि लोगों को अपने फ्लोर बेच के लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा कौन है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर एंड यूज है। सिर्फ 10% इन्वेस्टर है, 90% एंड यूज है आज के टाइम, क्योंकि ऐसा लाइफस्टाइल कहीं भी सोना की किसी भी टाउनशिप के अंदर नहीं है। तो अगर आप आना चाहते हैं आप मोस्ट वेलकम, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं। मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं सबको मैं इनवाइट कर रहा हूं। कैब फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है गुरुग्राम में। आप गुड़गांव के किसी भी एरिया में रहते हैं 22 तारीख से पहले आप मुझे मेल डालें या SMS करें, अपना टाइम और स्लॉट दोनों चीज़ें बुक करें ताकि आपको कैब टाइम पर पहुँच के आपको साइट के ऊपर पहुँचा दे। आप मैं 24 और 25 दिसंबर को वहीं मिलूंगा, साथ में सेलिब्रेशन करेंगे न्यू ईयर का भी, उसमें मिलके डिस्कशन करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके काम की रहेंगी। तो दोस्तों 24 और 25 दिसंबर को मिलते हैं सोना के अंदर सेक्टर 4 के अंदर। आप हाई करके भेजो, गूगल लोकेशन आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।